अवेयरनेस में कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए। आप अगर अवेयर हो और अगर आप चूज कर रहे हो, चुनाव कर रहे हो, तो फिर वो अवेयरनेस नहीं रही। अवेयरनेस में आप अगर चुनना शुरू कर देते हो, आप चुनाव करना स्टार्ट कर देते हो, तो फिर वो महज एक विचारों की एक्टिविटी हो गई, थॉट्स की एक्टिविटी हो गई। यानी कि जिससे आप हमेशा ही डील कर रहे हैं विचारों से, फिर वही विचार ही काम कर रहे हैं। पूरे दिन भर आप विचारों से डील करते हैं। और अगर आप अवेयर हैं और अवेयरनेस के दौरान आप कह रहे हैं कि मैं इस चीज को लेकर अवेयर रह जाऊं, किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर मैं अवेयर हूं, मान लो आप पार्क में बैठे हो और आप बोले मैं अवेयर हो जाऊं और मैं किसी पक्षी को लेकर अवेयर रहूं, तो फिर आप उसको पकड़ रहे हो, वहां पर फिर बंधन है। यहां पर मैं आपसे बता रहा हूं जो कृष्णमूर्ति की बिल्कुल जो चॉइसलेस अवेयरनेस है उस बारे में बिल्कुल बात कर रहा हूं मैं आपसे, कि कृष्णमूर्ति आपको कह रहे हैं कि अवेयरनेस विदाउट द चॉइस। और मेरा टॉपिक ये नहीं है कि चॉइसलेस अवेयरनेस क्या है, मेरा टॉपिक ये है कि अवेयरनेस में चॉइस क्यों नहीं होनी चाहिए। अवेयरनेस में चॉइस का मतलब अवेयरनेस खत्म। और वो कहते हैं ना कृष्णमूर्ति, द मोमेंट यू आर अवेयर दैट आई एम अवेयर, इट मीन्स यू आर नॉट अवेयर। अगर आप जागरूक हैं और आपको लग रहा है कि मैं सच में जागरूक हूं, तो फिर आप जागरूक नहीं हैं, क्योंकि आप फिर से वहां पर थॉट की एक्टिविटी में फंस गए हैं, विचार की एक्टिविटी में फंस गए हैं। कृष्णमूर्ति विचारों पर बहुत जोर देते थे, क्योंकि अध्यात्म को, आपको अध्यात्म में विचारों को फाड़कर अंदर जाना पड़ेगा। आपको पता है विचार आपको कर देगा, आपको लगेगा कि मैं आध्यात्मिक हो गया, आपको आपके विचार ऐसे हो जाएंगे, लेकिन आप फिर भी अभी आध्यात्मिक नहीं है। विचार शून्य, थॉटलेसनेस, नो माइंड, यहां पर बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि एक काम करता हूं मैं, मेरे अंदर विचार आ रहे हैं, चलो मैं इन विचारों को लेकर अवेयर होता हूं, वहीं पर आपने क्या कर दिया, फिर विचार आ गए, फिर थॉटलेस नहीं रहे आप फिर आप विचारों के अंदर फंस चुके हैं, आप थॉट्स में आ चुके हैं। तो आप अवेयर हैं बस, खाली नेचुरली जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है बस दे रहा है। आप उस साउंड को लेकर आप कोई कोशिश नहीं कर रहे कि मैं उस साउंड को और ज्यादा सुन लूं। यानी आप यहां पर जहां तक आपको लग रहा है ठीक है बस, ओके। और कमाल की बात यह है कि अगर आप उस चीज को चूज नहीं कर रहे हो और वो चीज जितना आपको आपके सामने आकर आपको वो चीज सुनाकर जा रही है, अपनी कहानी बताकर जा रही है, आपने अगर पूरी तरह से उसकी कहानी देख ली, तो आपको दोबारा वो चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा उसको आपको चूज वो चॉइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हैबिट्स के मामले में भी यही होता है। हम देखते हैं कि कई सारे लोग जो है वो अपनी आदत नहीं छोड़ पाते, क्यों? क्योंकि वो चुनाव करते हैं। कई सारे लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाते हैं और वहां पर उनको मेडिटेशन करवाई जाती है, लेकिन वहां पर वो वही गलती कर देते हैं बार बार, कि वो चीजों को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो पकड़ना मतलब चीजों को चूज करना, मतलब फिर वही चीज कंटिन्यूटी फिर दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो कृष्णमूर्ति का ये वाक्य है जो समझना बहुत जरूरी है, चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनाव रहित सजगता या चुनाव रहित जागरूकता, कि आप जागरूक तो हैं लेकिन आप उस जागरूकता में आप ही नहीं हो। कोई जागरूक व्यक्ति जो जागरूक है, यानी जो अवेयरर है, अगर मैं कहूं, अगर ऐसा कोई वर्ड हो, तो कोई अवेयरर नहीं है। कि कोई जागरूक व्यक्ति नहीं है वहां पर, सिर्फ जागरूकता है, सिर्फ अवेयरनेस है। एंड अवेयरनेस इज वन, अवेयरनेस एक होती है। अवेयरनेस को हम ब्रेक नहीं कर सकते। और कृष्णमूर्ति कहते देर इज नो कंटिन्यूस अवेयरनेस, अवेयरनेस भी कंटिन्यू नहीं होती। आपकी जो इन अवेयरनेस है उसको लेकर भी अवेयर रहना,
आपकी जो इन अटेंशन है उसको लेकर भी अटेंड करना, उसको भी अटेंड करना, दैट इज द रियल ब्यूटी। असली असली सुंदरता इस चीज में है। तो इसीलिए ये कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर अवेयरनेस में कोई चॉइस आएगी तो फिर वो अवेयरनेस नहीं रहेगी, वो फिर आपकी थॉट की एक्टिविटी ही हो जाएगी, वो विचार की ही एक्टिविटी हो जाएगी, जिसपे जिस विचारों से हम हमेशा घिरे ही रहते हैं। दिस इज व्हाट जे कृष्णमूर्ति मीन्स इन चॉइसलेस अवेयरनेस, द टॉपिक ऑफ चॉइसलेस अवेयरनेस। और यहां पर मैं आपको इन्वाइट करना चाहूंगा मेरे कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम में। यहाँ पर इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन जरूर करें, इस प्रोग्राम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, आपको बहुत इंसाइट मिलेगी इस प्रोग्राम में, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपका कुछ बेसिक कंसेप्ट आपका मैं क्लियर करूंगा कि ट्रुथ क्या है, मेडिटेशन क्या है, थॉट क्या है, बियॉन्ड थॉट क्या है, ऐसी कुछ 12 थ्योरेटिकल वीडियोस होंगी। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होगी डेली मेडिटेशन, डेली ध्यान, और एक दिन दो दिन नहीं, जिंदगी भर के लिए आपका ये ध्यान मेडिटेशन चलता रहेगा। तो कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम को ज्वाइन करें, अध्यात्म की पूर्ण कक्षा जिंदगी भर के लिए। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, जाइए और इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।